यार ये तो मेरा सगा भाई है यार। ये मेरे 16 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स 1 टीवी एलवी भाई। तो आप लोग एक्साइटिंग नहीं है? समझ नहीं आया भाई क्या बोलूं। सब ने तो ये तो गवार है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम टाइप करें तो वो दिखाई नहीं देता? जीतेगी भाई जीतेगी, एलविस की टीम जीतेगी। सिस्टम मिला देंगे, ट्रॉफी ला देंगे। बिल्कुल चेक इन कर रहे हैं। ये हमारा रूम है, देख सकते हो यहाँ पर आप। ओके, और ये रूम से व्यू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। रात के 12:15 बज रहे हैं, मतलब दिन तो हमारा स्टार्ट ही हो गया। मतलब अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, मुंबई जा रहे हैं। और ये भैया मिले यहाँ पे, क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू नाम है भैया। गुड्डू, इतना जगह नहीं बचती हमारे पास। ये बैग रखे ना गिफ्ट के, ये साला गिफ्ट इतने भर जाते हैं ना, हमारी मजबूरी हो जाती है गिफ्ट लेकर जाना साथ में। मतलब मजबूरी नहीं कह सकते, मेरा वर्ड गलत है कि अब मैं मुंबई जा रहा हूँ और गिफ्ट ना हो वहाँ मजा नहीं आएगा यार फैंस से मिलने में ना। देखो जिन्होंने बहुत टाइम से फॉलो किया हुआ है ना, हम कहते हैं सबके गिफ्ट बनते ही बनते हैं। इन्होंने फॉलो कर रखा है नवम्बर 2023 से। क्या बात है मेरे भाई, ऑलमोस्ट साल होने वाला है। चलो आपको एक गिफ्ट देते हैं, दो भी निकलता वो दे दो। 20 कोई बात नहीं, निकल गई है। ये देखो, ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। सो फाइनली टर्मिनल 3 पे पहुंच गए हम। थोड़ा सा जाम है यहाँ पर, फिर अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये ऐसा सीन हो गया है, एक कुत्ता भुक रहा है। बाजारी कुत्ता भुकने की। अब कई बार एक बंदा आगे बोते एक चिल्ला रहा हो, ऐसे नहीं बोलते जब हम उसको कुछ बोलने वाले। कुत्ता किसका भोग? इसे वो कौन सी बागी मूवी बता रहे थे? सारी बागी नहीं बताएगा, तो मूवी बता। तो फाइनली एंटर हो गए हम, और ये देख सकते हो आप प्राडो स्विट्जरलैंड। और ये देख सकते हो इतना तो बनता है भाई, है ना। तो फाइनली बग्गी में बैठ गए। बग्गी भैया के साथ, क्या नाम है भैया आपका? अनुज। अनुज भाई, अनुज भाई लेके जा रहे हैं। गेट नंबर 58 था भाई, बहुत दूर था। फाइनली सीट में कपला हो गया हमारी, बट कोई बात नहीं, थैंक्सफुल श्री श्री ये सब करने के लिए। सो फाइनली मुंबई पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हो मुंबई में हो रही है बारिश। हो रहे हैं सुबह के तकरीबन 5:30, 6:45 हो गए, सॉरी 6:45 बज गए। अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट होटल। हेलो, मुंबई मैं जा रहा, दिखाऊं? ये देखो, तो फाइनली अब चेक इन कर रहे हैं। ये हमारा रूम है, देख सकते हो यहाँ पर आप। ओके, और ये रूम से व्यू है। स्विमिंग करेंगे, कोशिश करेंगे, तैरना तो आता नहीं है, तैर लेंगे। बट जिसको तैरना आता है वो बड़ा स्विमिंग पूल बोल रहा, जुहू बीच। तो भाई ये जुहू बीच है, जनरली जुहू बीच सबको पता है बहुत ज्यादा गंदा कर रखा होता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इन चीजें गंदा तो है ही, बट काफी हद तक अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो हमारा होटल है, ये हमें पर्सनल एक्सेस मिलता है यहाँ पर इस होटल से। इधर नोवोटेल है, इधर से इसका एक्सेस है। सो फाइनली हम निकल चुके हैं शूट के लिए। जैसे कि हमने बताया था आपको, मुंबई आए हुए, और मुंबई में प्लेग्राउंड के सेट पर एक शूट है। कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में? अभी 22 मिनट्स जी। तो मुंबई से ही हो? जी मुंबई से ही। तो ये भैया हमें मुंबई में मिले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सोनी। संदीप सोनी जी, भाई ने बताया कि फॉलो करते हैं, मैंने इनका मोबाइल भी चेक करा, ये फॉलो करते हैं जनवरी 2024 से। तो आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो? जी हाँ। कोई ऐसी वीडियो जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो? यस यस, सारे अच्छे लगते हैं, जितने आप काम करते हैं गरीबों के लिए वो सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये लो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो गाइस चलो पहुंचते हैं एक बार सेट पर, फिर देखते हैं वहां पर कैसे क्या क्या है। अभी मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। हेलो, कैसे हो? असली गोल्ड है।
ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे हम टाइप करें तो वो दिखाई नहीं देता? आप ही बताओ। मैं तो बता ही दूंगा, वैसे तो ऑडियंस बता देगी। पास है ना, तो ऑडियंस को बताने देते हैं। पास, आप बताओ। सब जानते हैं। अरे भाई 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 सोलह प्रो मैक्स लेके मान लो। अगर मनीष भैया मेरे को एक आईफोन के दे तो मैं अभी के अभी जिंदगी अच्छी कर लूंगा। तो क्या लग रहा है, किसकी टीम जीतेगी? मेरा कहना है अभी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, सब कुछ जीतते जा रहे हैं, तो एल्विस भाई जीतेंगे। कहने की बात है, इस बार तो मिड पॉइंट आया ना तो वही जीतेगा। पक्का? नहीं नहीं आया ना, नए नए बाहर हो जाएंगे जल्दी जल्दी। नहीं मतलब नए नए वाले जीतेंगे, अच्छे से होगी राइट। मतलब ज्यादा कौन बनेगा द्रौपदी आज? द्रौपदी कौन बनेगा? हम भागना पड़ेगा भैया, इधर आओ। टीम टीम जीतेगी, मेरी टीम है। बताओ आधा तो ऐसा कौन सा नल है जिसमें से पानी नहीं आता? नल वेट लेट मी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक आप ठीक हो, बट क्वेश्चन कंप्लीट करने तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा कौन सा नल है जिसमें से पानी नहीं आता पर वो असली होता है? असली नल, बट वो असली होता है। असली नल ये कौन सा असली नल होता है? शिमला से। ओके, 12th की स्पेलिंग बताओ। जीतेगी भाई, जीतेगी। एलविस की टीम जीतेगी, सिस्टम मिला देंगे, ट्रॉफी ला देंगे। बिल्कुल I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play. जे भाई लेके आ गया हमारे लिए, इससे बड़ी बात है क्या और किस किस के लिए क्या लेके आए? बाकी तो सबके लिए गिफ्ट सही फॉलो। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इनको क्या दे रहे हो आप? स्मार्ट वॉच। चलो कुछ तो दे रहे भाई, जे भाई का दिल खत बड़ा और शरीर भी बोला काम कर दिया। फोटो खींच रही है, फोटो भी खींच रही है भाई। दिमाग का मैंने पूछे क्या गेम में भर के दो
तो वो भी गेम ही होती है। सोच के बंदे आ रहे हैं। जय जय भाई दिखा देगा, जय जय है कहीं भी जाके जय जय रहे। पहला एक ऐसा शो है जहां पर मेंटर थे, मेंटर बनने के लिए कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन दिए थे, राइट? है ना, एक्साइटिंग है ना? तो आप लोग, एक्साइटिंग नहीं है? समझ नहीं आया भाई, क्या बोल रहा है? कि मेंटर्स ने अपनी सीट के लिए कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन दिए थे। ऐसा कौन सा रूम है जिसके अंदर हम नहीं जा सकते? शब्द है जिसे हम लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते। शब्द थोड़ी है तो गवार है, लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते। नहीं, ये शब्द नहीं है भाई। है, बताओ। बोलो ना। नहीं, ये लिखिए। तो फाइनली आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। अभी तक आपने सारा सिनेरियो देखा, सुबह से शाम तक का हमारा, हमने कैसे हमारा दिन गुजारा, है ना? सिस्टम था बिल्कुल आर पार, क्योंकि ये थी मुनावर की वार। प्लेग्राउंड सीजन 4 के साथ हमने करा एंटरटेनमेंट मेंटर और कंटेस्टेंट्स के साथ। अब आपकी बारी है, आपने बताना है जीतेगा कौन, जेजे कम्युनिकेशन या प्लेग्राउंड सीजन 4। तो देखो, अगर आपको लगता है जेजे कम्युनिकेशन तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बता देना। प्लेग्राउंड सीजन 4 तो यहाँ से चले जाना, है ना? ज़्यादा टाइम मत लगाना। बट फिलहाल का दिन बड़ा अच्छा रहा। और ये मुंबई की बारिश, ये बारिश खतरनाक बारिश, मज़ा आ गया बारिश के अंदर भी। सुबह से इवन जब हम मुंबई लैंड हुए थे, कितने बजे लैंड हुए थे मुकेश मुंबई? तकरीबन 5 बजे के अराउंड। हाँ, नहीं नहीं 4:30 लैंड हुए था, मतलब मुंबई में अराइवल था हमारा 4:30 का। उसके बाद टाइम लग गया था क्योंकि वो उनकी बसें वगैरह बिल्कुल आ गया। ये आगे हम जुहू बीच, जो सबसे गंदा कर रखा है इन्होंने मुंबई वालों ने, इतनी गंदगी फैला रखी है ना इतने फेमस बीच के ऊपर, ठीक है ना? और मैं ये बता रहा था, तो आज का दिन बड़ा अच्छा रहा फाइनली।